बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल स्थित कलकत्ता हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य की एकल पीठ ने देश में अवैध रूप से रह रही 4 रोहिंग्या मुस्लिम महिलाओं को वापस म्यांमार भेजने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने गुरुवार यानी 4 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार से कहा कि 10 अगस्त को उनकी याचिका पर सुनवाई होने तक उन्हें वापस नहीं भेजा जाए। दरअसल इन महिलाओं ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि म्यांमार में उनके जीवन को खतरा है, इसलिए उन्हें वापस नहीं भेजा जाए और उन्हें शरणार्थी के रूप में भारत में ही रहने की अनुमति दी जाए। तो देश में आए दिन अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर मामला गरमाया रहता है। खूब राजनीति भी होती है इस मुद्दे पर। अवैध रोहिंग्या को निकालने की बात की जाती है, सीए एनआरसी को लेकर बातचीत होती है, लेकिन अब कोर्ट ने ही रोक लगा दी है अवैध रोहिंग्या मुस्लिम महिलाओं को वापस म्यांमार भेजने से। हालांकि ये रोक 10 अगस्त तक लगाई गई है, क्योंकि इन मुस्लिम महिलाओं ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि म्यांमार में उनकी जान को खतरा है। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार। भारत सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।